गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम एचपी टेट, एचपी टीजीटी, एचपी पुलिस, एचपी क्लर्क और जितने भी वेरियस कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एचपी पुलिस के लिए ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीट फ्रॉम द सन कम्स ऑन द अर्थ वाई। ठीक है, जो हीट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हीट अगर हीट का डिफरेंस हो, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम क्या करती है, फ्लो करती है। तो यहाँ पे हीट के ट्रांसफ़र होने के तीन वे होते हैं हमारे पास। अगर आपसे कोई पूछे नेम द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफरमेंस ऑफ हीट, ठीक है, कि ट्रांसफ़र कैसे होती है हीट, वो तीन वे है हमारे पास। फर्स्ट आता है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन में कि जो सन के द्वारा जो हीट अर्थ तक पहुँचती है वो किस वे के द्वारा पहुँचती है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, रेडिएशन। सेकेंड है, ठीक है, कि जो सॉलिड्स के मटेरियल होते हैं, जो सॉलिड के मेटल, जो कोई भी मटेरियल होता है, ठीक है, उनमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, कंडक्शन। किसके थ्रू होती है, कंडक्शन। मान लो आपके पास एक मेटल रोड है, आप उसके एक एंड को हीट कर रहे हो, तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद जो सेकेंड एंड है वो भी हीटअप हो जाता है। ठीक है, आप अपने घरों में भी एग्जाम्पल देखा होगा। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि सॉलिड में जो वे है ट्रांसफ़र होने का हीट का, वो किसके थ्रू होता है, कंडक्शन प्रोसेस के। नेक्स्ट है लिक्विड और गैसेस में, लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किसके थ्रू होती है, कन्वेक्शन। ठीक है, जो हम लोग घरों में हीटर वगैरह लगाए होते हैं तो हम देखते हैं कि रूम जो हीटअप हो जाता है तो किसकी प्रोसेस के थ्रू होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है रेनबो इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्जन। ठीक है, रेनबो जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, डिस्पर्जन की वजह से बनता है। अब डिस्पर्जन होता क्या है, अगर आप वाइट लाइट किसी प्रिज्म से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, वाइट लाइट अगर आप किसी प्रिज्म से पास करवाते हो वो सेवन कंसिक्वेंट कलर में टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिब गोयर। ठीक है, सेवन कंसिक्वेंट कलर में टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। नेक्स्ट आएगा हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो पूछता है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो किस पे मैक्सिमम होती है, वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कब होती है मैक्सिमम, 4 डिग्री सेल्सियस। सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रखना, ए जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, आपके पास बड़े सारे फिनोमिनाज आते हैं, जैसे आपके पास रॉकेट प्रोपल्शन होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यहाँ क्या लिखा है, जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनर मोमेंटम, और ये भी बोल सकते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ। अगला आपके पास एक डिजीज का नाम है एस्टिगमेटिज्म, इज करेक्टेड बाय, ये किसके द्वारा करेक्ट होता है, ये सिलिंड्रिकल लेंस के थ्रू करेक्ट होता है। इसमें होता क्या है कि जो कोई भी जो भी पर्सन इस डिसीज से डिफेक्टेड होगा उसको वो आपके जो वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में आपको उसको अंतर के बारे में पता नहीं चलेगा कि कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी वर्टिकल लाइन है। नेक्स्ट है एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर। आप क्या करो, अगर आप पानी के ऊपर ऑयल गिराते हो तो आप देखते हो कि उसके ऊपर लेयर के ऊपर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो मतलब किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर है सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन ऑफ वाटर। ठीक है, जो सरफेस टेंशन होती है ऑयल की वो बड़ी कम होती है किससे, वाटर से। इस वजह से जो आपके पास वो होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन आपको बता देता हूँ होता क्या, सरफेस टेंशन होती है आपके पास, सरफेस टेंशन लिख दिया, टेंशन होगा यहाँ, सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ। देखो यहाँ से फोर्स और लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फोर्स और लेंथ क्या है, यहाँ पे सरफेस टेंशन, सॉरी फोर्स नहीं, सरफेस टेंशन और लेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी सरफेस टेंशन कम होगी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ लिखा है कि जो ऑयल की सरफेस टेंशन है वो कम होती है तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए वो पूरे वाटर के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखा गया हॉट सूप, इसमें एग्जाम्पल आता है हॉट सूप टेस्ट बेटर देन कोल्ड सूप। क्यों, क्योंकि जो हॉट सूप होता है उसकी सरफेस टेंशन कम होती है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वो हमारी जीव का जो एरिया होता है उसके ऊपर ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, इसलिए आपको हॉट सूप ज़्यादा टेस्ट लगता है देन कोल्ड सूप। उसके बाद है इन लेज़र ऑल द एटम अमिट। ठीक है, लेज़र में जो जितने भी एटम होते हैं वो किस तरह की लाइट अमिट करते हैं, वो सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट को अमिट करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आप सेंटर ऑफ एक्सलेंस कोचिंग गुनों से मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डीसी में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, बाय रेक्टिफायर। अगला है डीसी इज कन्वर्टेड इनटू एसी बाय इन्वर्टर। नेक्स्ट आता है द फोर्स बाय विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, किस फोर्स के द्वारा कोई भी बॉडी है वो अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो कौन सी फोर्स आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है। पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, तो कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है,
देखो मोशन में जब भी मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट हो, मोशन हो, तो मूवमेंट के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी का जो आपके पास यहाँ वैल्यू होती है 1/2 mv² होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मास और वेलोसिटी आ रही है, तो आप बोलोगे किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है वोल्स लॉ, ये आपके गैसेस के लो होते हैं, वोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, यहाँ आपके पास वोल्स लॉ है। बोलता है वोल्स लॉ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपने याद रखना प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है एज ए ट्रेन अप्रोचेज अस फ्रॉम द अस द फ्रिक्वेंसी और शिलनेस ऑफ इट्स विसल इंक्रीजेज दिस फिनोमिना इज एक्सप्लेन बाय डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे मान लो आपकी तरफ ट्रेन बढ़ रही है और उसकी जो हॉर्न की आवाज़ है अगर वो आपको आपके पास आपकी तरफ आएगी तो उसकी जो साउंड फ्रिक्वेंसी है और उसकी जो श्रीलनेस है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये कौन बताएगा? डॉपलर इफेक्ट बताता है। ठीक है, अगर आपसे दूर जाएगी तो वही साउंड आपको कम सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, अगर आपके पास आएगी तो वो ज़्यादा सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है द टर्म एक्सेलरेशन मीन्स। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है आपने याद रखना, वेलोसिटी ओवर टाइम को क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट है द टर्म वेलोसिटी मीन्स, इसमें क्या जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की इको साउंड सुनाई देती है तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको मैं बता देता हूँ जो आर्ट्स वगैरह से रिलेटेड बच्चे होते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। आपके पास मटेरियल दो कैटेगरी में डिवाइड है, जो कुछ मटेरियल होता है वो करंट को इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास करवा देता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, और जो नहीं करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो यहाँ हमारे पास बड़े सारे कंडक्टर हैं, आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो कौन है? सिल्वर। लेकिन सिल्वर नहीं यूज़ करा जाता है क्योंकि बहुत ही ये कॉस्टली होता है। नेक्स्ट है टाइडल वेव ऑन सी इज मेनली ड्यू टू। ठीक है, जो वेव्स आती हैं सी में समुद्रों में किसकी वजह से आती हैं? तो उसका आंसर होगा ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। किसकी वजह से आती हैं? ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं किसी की एसआई यूनिट से, सीजीएस से, तो पावर एसआई यूनिट क्या है? पावर ऑफ लेंस के डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई। ठीक है, अगर देखो अगर आप कोई किसी भी चीज़ को देख पा रहे हो तो उसके बीच में बोलता कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का गैप होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को लो और बिल्कुल अपनी आंखों के पास ले आओगे तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए लिखा गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एसआई यूनिट से रिलेटेड है, प्रेशर के एसआई यूनिट होते हैं पास्कल, फोर्स के क्या होते हैं? न्यूटन। फोर्स के क्या होते हैं? न्यूटन। पावर के क्या होते हैं? वाट। वर्क के क्या होते हैं? जूल। और करंट के क्या होते हैं? एम्पियर। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होते हैं? वोल्ट। ठीक है, आगे है 29th रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अमिट। ठीक है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या अमिट करते हैं? कौन सी रेडिएशंस को अमिट करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। तो इस वीडियो में हम 29 ही क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। होप सो आपको ये पसंद आएंगे और आप इनको बार बार रिवाइज करोगे। थैंक यू।